गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप मिले और मैं टीचर फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरादन। टुडे विल बी स्टार्ट नो चैप्टर टू होल नंबर। होल नंबर मीन्स कि ऑल काउंटिंग नंबर आर इंक्लूड इन जीरो, कि काउंटिंग नंबर में हम क्या इंक्लूड कर देंगे, जीरो। देखो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सभी क्या काउंटिंग नंबर, इनमें हम जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया होल नंबर, मीन्स सभी ये पूरा नंबर कंप्लीट हो गई। तो जीरो से स्टार्ट करने पर जो नंबर होंगे वो होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, जीरो। और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि होल काउंटिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद में देखो सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स क्या होता है कि वन ऐड करना। आपको सेकंड चैप्टर में नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर, कि ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद में सक्सेसर दिया हुआ है, सक्सेसर मीन्स कि वन ऐड या वन मोर, कि आपको जो नंबर दिया उसमें वन ऐड करना है। सपोज करो कि 96 है, इसका सक्सेसर क्या होगा, वन प्लस कर देंगे तो 97। और एक है प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मीन्स देखो क्या होता है कि वन लेस करना आपको या वन सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, कि 96 का प्रेडिसेसर करना है तो माइनस वन क्या हो जाएगा, 95। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि सपोज करो कि आप फिफ्थ क्लास में हो और फिफ्थ क्लास से आप सक्सेस हो गई तो कौन सी क्लास में जाओगे, सिक्स में। और आपको ऐसे पूछे कि प्रेडिसेसर में प्री आ रहे हैं कि फाइव से पहले, प्री मीन्स पहले कौन सी थी, फोर्थ क्लास। तो प्रेडिसेसर मीन्स वन कम और सक्सेसर मीन्स वन ज़्यादा। उसके बाद में हमें ये दिया हुआ है कि इनको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। तो देखो 2.1 एक्सरसाइज है, मैंने फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक तो करवा दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए होल नंबर, कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर में क्या डिफरेंस होता है। देखो आपने एक कोई होल नंबर ले लिया वन, तो वन का सक्सेसर तो क्या होगा टू, प्रेडिसेसर क्या होगा जीरो, तो जीरो और टू के बीच का डिफरेंस कितना होगा, टू होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ वन, कि इनका प्रेडिसेसर राइट करना, होल नंबर का प्रेडिसेसर क्या होगा, वन होगा, और नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर क्या होगा, वन नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन ही होता है। उसके बाद में थर्ड दिया हुआ है राइट डाउन द सक्सेसर ऑफ प्रेडिसेसर ऑफ 680, तो थर्ड क्वेश्चन देखो 680 का सक्सेसर तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कर देंगे 81, और इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, वन माइनस कर देंगे तो 679। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राइट थ्री कंजेक्टिव सक्सेसर ऑफ 198, कंजेक्टिव मीन्स देखो क्या होता है, रेगुलर, कंजेक्टिव सक्सेसर ऑफ 198, कि 98 से रेगुलर थ्री सक्सेसर कौन से होंगे। तो देखो 198 में वन प्लस करेंगे तो 199, 199 में वन करेंगे तो 200, और 200 में वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 201, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है कि राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू जीरो, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, वन, कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट टू कंजेक्टिव होल नंबर ऑफ 299, कि टू कंजेक्टिव होल नंबर, 299 का टू कंजेक्टिव होल नंबर कौन से होंगे, 300, और 300 के बाद में 301। क्वेश्चन नंबर सेवन है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 10,000, तो 10,000 का प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मीन्स क्या होगा कि वन माइनस, तो 10,000 में से वन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9,999। क्वेश्चन नंबर एट है हाउ मेनी होल नंबर आर बिटवीन 0 से लेके 0 एंड 575, कि 0 और 575 के बीच में टोटल कितने होल नंबर होंगे, तो कितने होल नंबर होंगे, 574, कि जितने आपको दिया होता है उससे एक कम होता है, तो 575 दिया उससे एक कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, तो 42,851 का आपको सक्सेसर फाइंड करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है, फिर दोनों का सम, दोनों को प्लस करो एक बार और एक बार माइनस करो,
क्वेश्चन नंबर 10 राइट थ्री कंजेक्टिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 599। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, 599 से स्टार्ट होने वाले थ्री होल नंबर, तो नेक्स्ट क्या होगा, 600, 601, 602। ये क्वेश्चन जो 10 तक थे ये मैंने करके आपको सेंड कर दिए थे, तो अभी मैंने समझा भी दिया कि ये कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 11, फिल इन द ब्लैंक्स कि एक्स प्लस जीरो एक्स सही है कि जी एक्स में जीरो प्लस करेंगे तो एक्स ही आएगा। सेकंड है कि एक्स माइनस जीरो कि एक्स में से जीरो माइनस करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, उसका भी क्या होगा एक्स। और थर्ड दिया हुआ है कि एक्स इंटू जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 11 में फर्स्ट में आएगा एक्स, सेकेंड में भी एक्स और थर्ड में जीरो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 12 में देखो राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ट्रू एंड फॉल्स फाइंड करना है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, सही है कि ऑल काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो 12 का फर्स्ट है उसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। 12 का सेकंड है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये भी सही है कि एवरी होल नंबर होगा नेचुरल नंबर होगा, तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड दिया होगा कि सक्सेसर ऑफ 199, देखो 199 का सक्सेसर इसमें 198 दिया हुआ है और सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं क्या होता है 200, तो ये है फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 4th में है द लार्जेस्ट होल नंबर इज 100, रॉन्ग है कि लार्जेस्ट होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्या आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द टू नंबर लाइन ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कि ऐसी टू नंबर लाइन होगी जिसके ऊपर इनमें से कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा। देखो 13 में 5 करोड़ दिया हुआ है एक दो, और एक 10 मिलियन दिया हुआ है। देखो 5 करोड़ और 10 मिलियन में से ये नंबर लाइन है, यहाँ जीरो है इधर लेफ्ट और राइट है, तो हमें ऐसे पूछा इन दोनों नंबर में से लेफ्ट में कौन सा आएगा, लेफ्ट में कौन सा नंबर आता है जो क्या होता है स्मॉलर होता है छोटा होता है, और यहाँ कौन आएगा जो बिगर होगा या बड़ा होगा, कि जो बड़े नंबर होते हैं वो हमेशा राइट साइड में, जो छोटे होते हैं वो लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, 10 मिलियन छोटा है या 5 करोड़ कौन सा छोटा है, 10 मिलियन, तो ये लेफ्ट में लिखा जाएगा 10 मिलियन। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में देखो 4,42,441 दिया हुआ है एक नंबर, तो सेकंड नंबर है 15,63,342 कि इनमें से लेफ्ट में कौन सा लिखा जाएगा, और मैंने अभी बताया कि लेफ्ट में वही नंबर लिखे जाएंगे जो छोटे हैं, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है फर्स्ट, तो ये नंबर लेफ्ट में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सोल्व द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन कि इनको नंबर लाइन के ऊपर सोल्व करो आप, देखो कर देंगे बहुत ईजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 पहले नंबर लाइन बना लो, ये देखो नंबर लाइन हो गई, यहाँ जीरो राइट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ओके, और इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ऐसे चलता जाएगा। तो फर्स्ट दिया हुआ कि 8 + 3, देखो 8 कहाँ है ये रहा, प्लस 3 करना है, 3 करोगे तो किस में जाओगे राइट साइड में, कि वैल्यू बढ़ेगी तो राइट में, और कम करोगे तो लेफ्ट में, ये मैं लिख देता हूँ। देखो लेस मीन्स कम करना है तो आपको लेफ्ट में चलना है, और ऐड करना है तो आपको राइट साइड में चलना है। तो देखो ऐड दिया 8 + 3, तो प्लस 3 कौन सी साइड में, राइट साइड में, कितने 3, ये 1, 2, 3 क्या आ गया 11, तो 8 + 3 इक्वल टू क्या होगा 11। सेकंड दिया 12 - 7, तो ऐसी नंबर लाइन बनानी है आपको, उसमें कहाँ तक आनी चाहिए 12 तक, दूसरी नंबर लाइन बनानी है और 12 पे ये देखो 12 - 7 माइनस करने तो लेफ्ट साइड में कितने 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या आ गया आंसर 5, तो 12 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और ऐसे 3 × 3 कि देखो ये 3 है, इसको 3 टाइम कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कहाँ आ जाएगा 9 पे, ये क्वेश्चन कर लेना आप।
और लास्ट क्वेश्चन है 15, कंपेयर द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर देखो क्या होगा कि लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर नाइन लेख 99,999 ये होगा। उसके बाद में है कि स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर, कि स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर टेन लेख। अब ऐसे पूछा है शो देम ऑन द नंबर लाइन, इनको आप नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हो, नहीं नहीं कर सकते इतने बड़े नंबर को। और कंपेयर द लार्जेस्ट कि दोनों को कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो बड़ा कौन सा होगा, ये तो 9,99,000 है, ये 10 लेख है, तो कौन सा बड़ा होगा, सेकंड नंबर, इसके आगे लिख देंगे कि लार्जेस्ट नंबर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो मैंने सोल्व करके भेज दिए थे आपको, ये 11, 12, 13, 14, 15 आप कर लेना एक्सरसाइज 15 2.1 कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना आप, ठीक है, थैंक यू।